पति को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। रावण, रावणनाथ जी एक कुशल तांत्रिक थे और उन्होंने तंत्रिक से महादेव तक को प्रसन्न कर रखा था, भगवती भी उनसे हमेशा प्रसन्न रहती थी। तो जब रावणनाथ जी युद्ध पर जाते थे तो हम लोग जैसे दुर्गा कवच पढ़ते हैं तो रावणनाथ जी काली कवच पढ़ते थे, उन्होंने खुद काली कवच लिखा था। हालांकि रावण जी का नाम जब नाम आता है तो हम सिर्फ शिव तांडव स्त्रोत्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई तंत्र की किताब उन्होंने लिखा, जिसमें आज के डेट में रावण संहिता के नाम पर कुछ भी बिक रहा है बाजार में। तो आज जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ वो अगर किसी शत्रु से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हों तो इसका प्रयोग करिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर चावल से एक गोलाकार बनाएंगे और उस गोला को पूरे चावल से भरेंगे, फिर उसमें एक त्रिशूल बनाएंगे और वो त्रिशूल लाल रोली से बनाएंगे, त्रिशूल जहाँ पर अंत हो रहा है नीचे की तरफ एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, सामने में इस त्रिशूल के एक लाल फूल रखेंगे, चाहे तो अड़हुल का होगा या लाल गुलाब का होगा, उसको भगवती के रूप में पूजन करेंगे। उसी फूल को हम दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे और तला हुआ उड़द चढ़ाएंगे, तला हुआ सरसों तेल में तला हुआ उड़द, उसके अलावा एक फल आप चढ़ा सकते हैं कोई भी। ये क्रिया आपको दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए रोज रात में 11 बजे के बाद 9 दिन तक करनी है, इसमें कोई हवन नहीं होगा। जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन एक सिक्का लेंगे, ठीक है, उसको लाल कपड़े में लपेट करके जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज़्यादा परेशानी है उसके विषय में सोचते हुए, ठीक है, और दीपक के अंदर आपको दबा देना है, ठीक। दीपक के अंदर आप जब दबा देंगे उसके बाद एक पुष्प लीजिएगा और भगवती को चढ़ाइएगा और मंत्र बोलिएगा, ह्रीम ह्रीम सर्व स्वरूपिणी चैव, ह्रीम 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 संगिनी तथा, ह्रीम ह्रीम छौम छौम सर्व स्वरूपा सर्वदा शत्रुनाशिनी। इस मंत्र से भगवती को प्रसन्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद ह्रीम मंत्र का एक माला जाप करेंगे। ह्रीम मंत्र कोई भी जब तांत्रिक क्रिया तांत्रिक विधि आप करते हैं तो क्योंकि ह्रीम जो है वो सृष्टि बीज है, सृष्टि बीज का अर्थ है कि ह्रीम से ही सृष्टि की संरचना हुई थी, ओमकार नाद से सृष्टि शुरुआत हुआ था, लेकिन जो रचना हुई थी सृष्टि की वो ह्रीम मंत्र से हुई थी। तो कोई भी तंत्र चलाने से पहले हम लोग ह्रीम मंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार पश्चिम की तरफ मुड़ेंगे, हाँ, पश्चिम की तरफ मुड़कर तीन बार ओमकार का नाद करेंगे। जब आप ओमकार का नाद करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मुख से ओमकार का नाद नहीं होना चाहिए, मन में, मतलब नाभि से निकलेगा और नाक तक जो श्वास का आपका क्षेत्र है वहां तक जाके तीन बार ओमकार नाद करेंगे हाथ जोड़ करके, और उसके बाद फिर दक्षिण की तरफ भगवती को देखते हुए जाप करेंगे। मंत्र सुनिए, रोज एक माला जाप कीजिएगा, जो शत्रु से ज्यादा परेशान है वो तीन माला जाप करेंगे, 9 दिन के बाद इस मंत्र का जाप नहीं करिएगा। मंत्र है, ओम जहे कटी कटी करी करी कुटु कुटु मर्दय मर्दय मोहय हर हर मम रिपुन ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटयो यतु धानिका चामुंडा सर्वजनान राजपुरुषान राजश्रियं देहि देहि नूतन नूतन धान्यः जयम जयम छाम छाम छूम छौम छौम छह स्वाहा। एक जब आप 108 मंत्र का जाप कर लेंगे उसके बाद जब आप पूजा स्थान से उठेंगे तो वापस पूजा स्थान की तरफ नहीं देखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ये पूजा स्थान अगर आपके घर के बाहर रहे तो ज़्यादा उत्तम है, और अगर घर के अंदर है तो वहाँ पर्दा होना चाहिए, 9 दिन तक उस स्थान को कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप पूजा नवमी की रात को समाप्त कीजिएगा, उठ करके चले गए, दशमी के दिन सुबह में उसी कपड़े में सारी सामग्री को लपेट करके किसी कुएं में जा करके फेंक दीजिएगा। कुएं में फेंकने के बाद फिर वही कि आप उसको
घूम करके नहीं देखेगा, ठीक है। इस मंत्र का प्रयोजन है कि शत्रु का नाश हो और आपको धन्य धन्य भगवती चामुंडा दे। चामुंडा मतलब युद्ध की देवी होती है, जिसको युद्ध में जीतना होता है वो चामुंडा की आराधना करता है। चामुंडा का ऐसे भी जो स्थापना होता है वो घर के बाहर होता है, घर के अंदर नहीं होता है। इसलिए इस साधना को अगर घर के बाहर, मान के चलिए नहीं है आपके पास कोई स्थान, तो बालकनी में करें, अंदर नहीं करें, चार दीवारी के काली मंदिर में अगर करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा लाभ होगा, महादेव मंदिर में करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। मसान में अगर कर सकते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको बदलना होगा कि रोज़ जैसे ही आप साधना करके उठेंगे वो पूरी व्यवस्था को आपको धो के समेट करके जो भी सामान है उसको जल में प्रवाहित कर देना है। मतलब आपकी साधना के बाद किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने वहाँ पर साधना किया है। 9 दिन में ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के बाद शत्रु का क्षय होता है और आपका विजय होता है। आज के लिए इतना ही। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 9431188585 पर संपर्क करिए। इसमें इस ग्रुप से जुड़िएगा तो साधना का जो शुरुआती आयाम है, जैसे आसन बंधन यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब हम आपको सिखाते हैं। और विशेष जानकारी के लिए www.agurtantrarahasya.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ CM4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती देवी चामुंडा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी को सभी रण में विजय बनाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।